गुड मॉर्निंग है स्टूडेंट, कल का होमवर्क आपने कंप्लीट कर लिया है। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? काउंट द ऑब्जेक्ट एंड इन सर्कल द करेक्ट नंबर। काउंट द ऑब्जेक्ट एंड इन सर्कल द करेक्ट नंबर। काउंट करना है ऑब्जेक्ट को, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। 5 इसमें से ढूंढना है और सर्कल करना है। कितना है? 5 12 20 16। इसमें 5 कौन है? तो ये है, तो इसमें सर्कल करना है। उसी तरह नीचे वाला में देख लीजिए आप लोग, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इसमें ढूंढना है, 8 कहाँ है? तो 8 यहाँ है, तो सर्कल करना है। इसी तरह आपको इसमें भी बना लेना है 1 2 3 3, इसमें से ढूंढना है और सर्कल करना है। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 ढूंढ कर सर्कल करना है। 1 2 3 4, 4 इसमें से ढूंढ कर सर्कल करना है। और बुक में भी बना लीजिएगा, देखिए बुक में दूसरा दूसरा दिया हुआ है फिगर, पूरा बना लीजिएगा बुक में भी। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ढूंढना है, 18 है, 16 है, 20 है, 12 कहाँ है? ऊपर, तो यहाँ पे सर्कल करना है। नीचे वाला देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 है, 19 है, 11 है, 15 है, तो कितना में करना है? 15 में सर्कल कीजिएगा। इसी तरह पूरा बना लीजिएगा काउंट करके। मात्रा से 10 सब लिखे। ओ की मात्रा से इसके पहले भी आप लोग लिख चुके हैं, फिर से मिला है। उस बार 2 ये था मोर अ मोर, और इस बार 3 अक्षर वाला चोर अ चोर, डोर अ डोर, सोर अ सोर। इस बार कोयल अ कोयल, कोमल अ कोमल, लोकल अ लोकल, मोटर अ मोटर। इसी तरह आपको बनाना है कोमल अ कोमल, कोमल कोमल, लो क ल लोकल, मो ट र मोटर। इसी तरह 10 ओ की मात्रा से 10 सब लिखना है, बुक में देख लीजिए। बोल बोल कर पढ़ना है, कोमल कोमल, लोकल लोकल, मोटर मोटर, अशोक अशोक, आलोक आलोक, मोहन मोहन। पूरा पढ़ कर लिखिएगा। इसके बाद ये भी बना लीजिएगा पूरा, मोहन मोहन, तथा सोहन सोहन, ने अखरोट अखरोट खाए, मोहन तथा सोहन ने अखरोट खाए। इस तरह पूरा पढ़ के पूरा बना लीजिएगा। रीड एंड राइट, इसको पढ़िए और लिखिए। यूज ऑफ दिस एंड दैट, दिस और दैट को यूज करना है। जैसे यहाँ पे THIS, दिस इज ए कैप, THAT, that is a car। This हम लोग यूज कहाँ करते हैं? जब पास में रहता है तो क्या यूज करते हैं? This, और दूर में रहता है तो उसको क्या यूज करते हैं? That। जैसे नियर है, नियर मीन्स क्या होता है? पास में, पास में रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? This। और वही दूर में रहेगा, डिस्टेंस में रहेगा, उसको क्या यूज करेंगे? That। यहाँ पे जैसे हम पेन रखे हुए, ये पेन मेरे तो पास ही है, तो इसको क्या लिखेंगे? This। और जब दूर, इस पेन को दूर करेंगे तो इसको क्या लिखे? That is a pen। पास में रखेंगे तो दिस इज ए पेन। इसी तरह बुक में दिया हुआ है आपका, पूरा बना लीजिएगा। दिस इज ए, पास में रहेगा तो दिस, और दूर में रहेगा तो डैट, यानी नियर में रहेगा तो दिस और डिस्टेंस में रहेगा तो डैट। इसी तरह पूरा पढ़ पढ़ के लिखिएगा, दिस इज ए कैफ, डैट इज ए काउ, दिस इज ए चीता, डैट इज ए लायन, दिस इज एन एग, डैट इज ए नेस्ट, दिस इज ए काउ, That is a buffalo। बुक में आपका दिया हुआ है फिगर, फिगर से समझ जाइएगा। चीता कहाँ है? चीता इसके दम पास में है ना, देखिए तो क्या लिखा हुआ है? दिस इज ए चीता, चीता पास में है, तो चीता में दिस लगा हुआ है
और ये लायन कहाँ है? दूर में, डिस्टेंस में, तो क्या है? डैट इज ए लायन। इसी तरह इधर देखिए, दिस इज ए कैफ। कैफ कहाँ है? इसके बगल में है। और काव कहाँ है? इसके दूर में, मतलब डिस्टेंस में है। तो डैट इज ए काव लिखा हुआ है और दिस इज ए कैफ लिखा हुआ है। दिस मतलब नियर और डैट मतलब डिस्टेंस, मतलब दूरी। यहाँ पे देखिए आप, दिस इज एन एग। एग कहाँ है? इसके पास में, हैंड्स में है ना एग, तो नियर में है। और डैट इज ए नेस्ट। नेस्ट कहाँ है? दूर में, उंगली से बता रहा है, यानी कि डिस्टेंस में, तो क्या है? डैट। इसी तरह देखिए, दिस इज ए काव। काव कहाँ है? इसके गर्ल्स के क्या है? बगल में है। डैट इज ए बफेलो। गर्ल्स के कहाँ है? डिस्टेंस में, तो क्या यूज किए हैं? डैट। इसी तरह पूरा परफेक्ट के बना लीजिएगा। थैंक यू।